ओके ओके। लास्ट क्लास में हम लोग जनरली क्या देख रहे थे, हम लोग जो फ्लिप फ्लॉप्स के बारे में देख रहे थे, उन फ्लिप फ्लॉप्स में हम लोगों ने एक तो ऐसा फ्लिप फ्लॉप देख लिया था है ना, और एक हम लोग जीके फ्लिप फ्लॉप देख रहे थे। इस जेके फ्लिप फ्लॉप में हम लोगों ने आई थिंक ट्रुथ टेबल समझ ली थी, हम लोगों ने इसका बेसिक फंक्शनलिटी देख ली थी कि बेसिक फंक्शनलिटी क्या होता है और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एसआर फ्लिप फ्लॉप एंड जेके फ्लिप फ्लॉप। एसआर फ्लिप फ्लॉप का जो डिसएडवांटेज है उसी को हम लोग यहाँ रिमूव करने के लिए हम लोग जेके फ्लिप फ्लॉप देखते हैं। तो जेके फ्लिप फ्लॉप के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो जेके फ्लिप फ्लॉप के बारे में हम लोगों ने जनरली इसका हम लोगों ने यूजिंग नॉर गेट और यूजिंग नैंड गेट भी हम लोगों ने देख लिया था, किस तरीके से इसको बनाते हैं वो भी हम लोगों ने देखा था। तो इसकी जो ट्रुथ टेबल थी जेके फ्लिप फ्लॉप की, वो कुछ इस तरीके की थी। क्लॉक और दिस इज क्यू एन प्लस वन है ना, और दिस इज क्यू एन प्लस वन बार। अगर क्लॉक जीरो है तो इरिस्पेक्टिव ऑफ द इनपुट्स जे एंड के द आउटपुट विल ऑलवेज बी प्रीवियस स्टेट, हम लोगों ने देखा था दिस इज क्यू एन और दिस इज क्यू एन बार। अगर क्लॉक सिग्नल वन होगा तब इनपुट की फंक्शनलिटी शुरू होगी। तो इनपुट हमारे क्या क्या चार केसेस पॉसिबल है हमारे पास में, जीरो जीरो, जीरो वन, वन जीरो और वन वन। तो अगर इनपुट अगर जीरो जीरो है तो ये अपनी प्रीवियस स्टेट को फॉलो करेगा, जीरो वन है तो ये के, क्योंकि मैंने ये बोला था कि के का जो रिजेम्बलेंस होता है वो दैट इज फ्रॉम आर, और जे का जो रिजेम्बल होता है उसको हम लोग बोलते हैं एज ए एस। अगर हम लोग अगर हम रिजेम्बलेंस कराने की कोशिश करें अगर एसआर फ्लिप फ्लॉप के साथ में, तो जेके की वैल्यू अगर के की वैल्यू वन है और जे की वैल्यू जीरो है तो सर ये रीसेट वाली कंडीशन है, तो क्यू एन प्लस वन होगा जीरो और ये होगा वन, तो दिस कंडीशन इज नोन एज ए रीसेट कंडीशन। अगर ये जे की वैल्यू वन है और के की वैल्यू जीरो है तो इसके लिए हमने बोला था कि सर आउटपुट हमारा वन होगा और ये क्यू एन प्लस वन बार क्या होगा, जीरो होगा, दिस कंडीशन इज नोन एज सेट कंडीशन। और यहाँ पर हम लोगों ने बात की थी व्हेन जे इक्वल टू वन और के इक्वल टू वन, लेकिन आपको ध्यान हो कि इन एसआर फ्लिप फ्लॉप तो सर ये इनवैलिड सिचुएशन और इनवैलिड कंडीशन हो जाती थी, बट इन जेके फ्लिप फ्लॉप बेसिकली जो आउटपुट जो नेक्स्ट स्टेट होगी वो टॉगल होगी टू इट्स प्रीवियस स्टेट है ना। तो ये जो वन अगर जे इक्वल टू वन और के इक्वल टू वन है तो आपका जो नेक्स्ट स्टेट होगी दैट इज क्यू एन बार, सॉरी और दिस इज क्यू एन। ये बात सभी को समझ में आ रही है ना, क्योंकि अगर मैं टॉगल करूंगा अगर ये वन है तो जीरो, जीरो है तो वन, तो क्यू एन प्लस वन में अगर उसकी प्रीवियस स्टेट क्या है क्यू एन, तो क्यू एन में क्या हो जाएगा क्यू एन बार, क्यू एन प्लस वन बार की प्रीवियस स्टेट क्या थी क्यू एन बार, उसका टॉगल करूंगा तो क्या वैल्यू मिल गया क्यू एन, दिस इज दिस स्टेट इज नोन एज टॉगल स्टेट। के वाली जो स्टेट है इट इज नोन एज मेमोरी या होल्ड कंडीशन, उसको हम लोग होल्ड कंडीशन या फिर प्रीवियस स्टेट बोल देते कि प्रीवियस स्टेट। यहां तक सभी को क्लियर है बेटा, ये तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, सभी को ये चीज क्लियर है? कमेंट सेक्शन में सभी को बताओ यहां तक सभी को क्लियर है? यस ओके बेटा ओके ठीक है ठीक। जस्ट वेट अ मिनट, ये क्या हो गया? अब आगे इसके लिए हम डिफरेंट डिफरेंट चीज देखते हैं। सबसे पहले हम लोग करेक्टरिस्टिक टेबल बनाते हैं, जैसे हम लोगों ने एसआर फ्लिप फ्लॉप के लिए करेक्टरिस्टिक टेबल बनाई थी। करेक्टरिस्टिक टेबल में हम लोग थ्री इनपुट्स कंसिडर करते हैं, जिसमें हमारा जो एक्सटर्नल इनपुट है जे और के और एक प्रेजेंट स्टेट दैट इज क्यू है ना, हम लोगों ने इसी तरीके से हम लोगों ने वहां बनाया हुआ था। तो इनपुट हमारा कुछ इस तरीके का बनेगा जे के क्यू एन अज्यूम
हमने क्या करते हैं करैक्टरिस्टिक टेबल के लिए, अज्यूम क्लॉक सिग्नल इक्वल टू वन। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम करैक्टरिस्टिक चेक करना चाहते हैं, हम बेसिकली हम एक इक्वेशन निकालना चाहते हैं कि हमारा नेक्स्ट स्टेट किस तरीके से, हमने बोला था ना कि नेक्स्ट स्टेट इज ए फंक्शन ऑफ प्रेजेंट स्टेट और एक्सटर्नल इनपुट, तो वो दिखना चाहिए सर। उसके लिए क्या इक्वेशन निकल के आएगी, किस इक्वेशन से हमें इसकी करेक्टरिस्टिक फील होगी, उसके लिए हम लोग करेक्टरिस्टिक टेबल बनाते हैं। सर थ्री इनपुट्स हैं, मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कितने होंगे, 8। ठीक है, तो अगर j की वैल्यू 0 और k की वैल्यू 0 है, अगर j की वैल्यू 0 है और k की वैल्यू 0 है, तो हमको पता है कि हाँ j की वैल्यू 0 अगर k की वैल्यू 0 तो हमको पता है कि हमारी प्रीवियस स्टेट ही मिलेगी, तो प्रीवियस स्टेट j वैल्यू 0 k की 0 तो ये 0 को नहीं मिलेगा, क्योंकि j वैल्यू 0 k वैल्यू 0 के लिए हमें क्या मिलता था, तो प्रीवियस स्टेट हमको वही मिलती थी, तो ये 0 को नहीं मिलेगा। J की वैल्यू 0, K की वैल्यू 1 है, तो हमें रीसेट कंडीशन मिलेगी, तो ये 0-0 हो जाएगा। J is 1 और K is 0, तो irrespective of the previous state और present state, हमें क्या मिलेगा, सेट कंडीशन मिलेगी। और when J equal to 1, K equal to 1 है, तो सर टॉगल होता है, जो present state है, सर टॉगल होता है, ये 0 है तो ये 1, ये 1 है तो ये 0। ये चीज सभी को क्लियर है बेटा, ये करैक्टरिस्टिक टेबल सभी को समझ में आ गई। अरे बताओ कमेंट सेक्शन में, ये चीज सभी को क्लियर है या नहीं क्लियर है। ओके ठीक है, बता दीजिए। हाँ मैं बता देता हूँ बेटा, देखो ध्यान से, कुछ नहीं किया है मैंने इसमें, मैंने यहाँ पर तीन इनपुट्स लिए हैं, जे के लिया है और ये प्रेजेंट स्टेट लिया है, तो कितने इनपुट कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, 8 इनपुट कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। तो जब जे की वैल्यू 0, के की वैल्यू 0, जब जे 0 है और के 0 है, तो क्या कंडीशन होती थी, जब J 0 है, K 0 है, तो प्रीवियस स्टेट जो होती थी वो फॉलो होती थी। तो मतलब यहाँ पर क्या होगा, ये Qn हमको मिलेगा, ये Qn बार नहीं है, ये एक्चुअली Qn है, यहाँ पर हमको यहाँ पर क्या मिलेगा, Qn की जगह Qn मिलेगा और यहाँ पर Qn बार मिलेगा। तो देखो यहाँ पर अगर J की वैल्यू 0, K की वैल्यू 0, तो Q की Qn की वैल्यू 0 है, तो हमको 0 मिलेगा, Qn की वैल्यू 1 है, तो हमको 1 मिलेगा। व्हेन J इक्वल टू 0 और K इक्वल टू 1, तो क्या कंडीशन होती थी, when j equal to 0 और k equal to 1, हमें reset मिलता था, ये reset condition होती है, इसलिए हमें यहाँ क्या मिला है, reset मिला है। when j equal to 1 और k equal to 0, when j equal to 1, k equal to 0, यहाँ पर क्या है, ये set condition है, तो हमें क्या मिलेगा, हमें qn, qn plus 1 हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 1 कर दिया। और when j equal to 1, k equal to 1, when j equal to 1, k equal to 1, हमें क्या मिलता था, toggle मिलता था, मतलब qn bar represent state उसका bar मिलता था, complement मिलता था। तो अगर ये 0 है तो ये 1, ये 1 है तो ये 0। समझ में आ गया बेटा? Yes. Okay. Now, characteristic equation. आपके पास टेबल है, तीन इनपुट है और एक आउटपुट है, जल्दी से एक सॉल्व करो, के मैप से जल्दी बताओ आंसर क्या आएगा, के मैप सॉल्व करो। तो दिस इज J, K, Qn, थ्री वेरिएबल है, तो 8 सेल के में बनेगा, दिस इज 0, दिस इज 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, तो, हाँ मैं क्या, बता, वो अपना कोई गेस्ट लेक्चर हुआ है, आपने कराया था ना, नहीं नहीं, उसके अलावा कोई विजिट हुई है, विजिट इंडस्ट्री विजिट, बेटा एक बार रुकना, एक्साइटेशन टेबल, लेकिन ध्यान से तुम लोग आंसर करोगे, व्हाट इज एक्साइटेशन टेबल, मैंने लास्ट टाइम आपको बहुत अच्छे से बताया था कि मुझे प्रेजेंट स्टेट से नेक्स्ट स्टेट में जाना है, तो उसके लिए मेरे क्या इनपुट्स होने चाहिए, वो मुझे बताना होता है एक्साइटेशन टेबल में। तो
प्रेजेंट स्टेट एक है, नेक्स्ट स्टेट एक है, तो सर कितने इनपुट कॉम्बिनेशन पॉसिबल हो सकते हैं? 4 0 0 यस सपना, 0 1 1 0 1 1. अब आंसर तुम मुझे करो. चलो अब मैं देखता हूँ कि कितने लोगों को एक्साइटेशन टेबल चीज समझ में आएगी. सोच के ध्यान से मुझे क्यू एन जीरो से लेके 0+1 पे जाना है. ध्यान से ये टेबल को देखो, मुझे ये वाली ये करेक्टरिस्टिक टेबल को ध्यान से देखो कि मुझे 0 से 0 पे ही रहना है. तो क्या इनपुट होने चाहिए, जे और के की वैल्यू क्या होनी चाहिए? सभी लोग ध्यान से सोचो, कमेंट सेक्शन में आंसर करो कि क्या होना चाहिए. अगर मुझे जे, अगर मुझे प्रेजेंट स्टेट से नेक्स्ट स्टेट में 0 से 0 के बीच में रहना है, मेरी प्रेजेंट स्टेट 0 है और नेक्स्ट स्टेट में भी 0 रहना चाहिए, देन व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ जे एंड के? मुझे क्या एक्साइटेशन देना पड़ेगा? प्रबल ने आंसर किया है 0x, नवनीत ने आंसर किया है 0 0, नियति ने आंसर किया है 0. नियति सर पूरा टाइप नहीं कर पाए बेटा. हाँ विकास 0 0. ध्यान से देखो यार, ध्यान से सभी लोग देखो. यस नियति, यस अनुपम, यस ध्यान से देखो. ये जो 0 0 बोल रहे हैं वो ध्यान से देखो बेटा. दो कॉम्बिनेशन पॉसिबल है ना, दो कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं. एक तो देखो ये 0 0 वाला है, एक तो देखो ये वाला, सॉरी एक तो देखो ये वाला, ये हाइलाइटर स्लैकिंग हो रहा है. एक तो देखो ये 0 0 और एक ये 0 0. तो देखो कौन कौन से कॉम्बिनेशन पॉसिबल है. 0 0 अगर रहता है तो भी 0 से 0 रहता है, 0 1 रहता है तो भी 0 से रहता है. मतलब जे की वैल्यू को तो 0 करना पड़ेगा, जे की वैल्यू को तो 0 करना पड़ेगा. बट के चाहे 0 बना रहे चाहे 1 बना रहे, अगर जे 0 आया तो के 0 बना रहा है या 1 बना रहा है. नेक्स्ट स्टेट से प्रेजेंट स्टेट से नेक्स्ट स्टेट क्योंकि 0 0 रहेगा तो आउटपुट इज 0x. चलो अगर ये क्लियर है तो सभी लोग जल्दी से बताओ 0 1 0 1 के लिए क्या करना पड़ेगा. सपना ने आंसर दे दिया है 1x. 0 से 1 के लिए अगर जाना है तो सपना ने आंसर कर दिया है 1x. बाकी और लोग बताओ क्या होगा. 0 से 1 जाना है तो 1x. सभी लोग आंसर 1x कर रहे हैं. वेरी गुड बेटा. बेटा लोगों को एक्साइटेशन टेबल समझ में नहीं आता, याद करते हैं और तुम लोग बिना याद करे बता रहे हो. जो लोग सच में देख के बता रहे हैं, अगर गूगल रिंग कर रहे हैं डायरेक्टली बता रहे हैं, अगर अपने आप से बता रहे हैं, बेटा इट इज वेरी गुड. कि एक्साइटेशन लोगों की टेबल लोगों को याद करनी पड़ती है, उनको समझ में नहीं आता कि इसको फिल कैसे करते हैं. अगर तुम लोग ये फिल कर पा रहे हो देन इट इज वेरी गुड. चलो बेटा किसी को ये समझ में नहीं आया हो बिल्कुल बिना हेजिटेशन के, बिना किसी हेजिटेशन के पूछ लो, मैं बता दूंगा. पर दिमाग में कंफ्यूजन नहीं रखना. मुझसे अगर पढ़ रहे हो तो फिर याद नहीं करना चाहिए, याद नहीं रटना नहीं है हमको, तो पता होना चाहिए कैसे आ रहा है. एनीवन बेटा पूरी क्लास में है, कितने बच्चे हैं आज? 39 बच्चे. 39 बच्चों में से कोई भी अगर एक भी अगर ऐसा बच्चा है जिसको नहीं समझ में आया बेटा, तो मैं बैठा हूं तुम्हारे लिए. तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हें फिर से बता दूंगा. सभी को समझ में आ गया? सभी को क्लियर है क्या मुझे बताना है? अरे एक बार यस नो तो कर दो. सभी को समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलो ठीक है, कोई बच्चा नहीं बोला है, मैंने इतना पूछ लिया. कोई नहीं बोल, नो सर नहीं बताना है. ठीक है चलो, ठीक है बेटा मैं मान के चलता हूँ सभी को समझ में आ गया. ओके ओके, तो 1 0 के लिए जल्दी से बता दो. अगर कोई को समझ में आ गया जल्दी से बताओ, मुझे नहीं बताना है, आप ही लोगों को बताना है. 1 0 के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? यस x1. वेरी गुड बेटा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. नियति x0 नहीं आएगा बेटा. नियति चेक करो बेटा एक बार, ये नियति ने शायद x0 बोला है. नीति देखो 1 0, अगर 1 0 है तो कौन कौन से केसेस बनना है हमारे, मैं बता देता हूँ. हाँ हाँ नीति 1 0 से है तो हाँ एक बार बता दीजिए, कंफ्यूजन हो जा रही है. मैं बेटा 1 0 वाला बता दूँ, 1 0 से क्लियर हो जाएगा. यस सर यस सर. ठीक है देखो 1 0 का ध्यान से देखो, मतलब नेक्स्ट प्रेजेंट स्टेट है 1 और नेक्स्ट स्टेट है 1 0, तो उसके लिए तो देखो 1 0 के लिए एक तो ये वाला केस है 1 से 0 पे जाने के लिए, और एक कौन सा केस है, एक ये वाला केस है. ठीक है यही दो केस है. प्रेजेंट स्टेट अगर 1 है, नेक्स्ट स्टेट 0 चाहिए, तो मुझे ये दो केसेस दिखाई दे रहे हैं. तो इन केसेस के लिए जे की वैल्यू 0, के की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 1, के की वैल्यू 1. तो तू ध्यान से देखो इस चीज को कि के की वैल्यू को तो वन रहनी पड़ेगा. के की वैल्यू तो चेंज नहीं हो सकती, के की वैल्यू तो वन रहना पड़ेगा दोनों केसेस के लिए. बट अगर के की वैल्यू आप 1 कर देंगे तो जे की वैल्यू चाहे 0 बनी रहे या जे की वैल्यू 1 बनी रहे, मतलब अगर आपने के को 1 1 कर दिया तो
जे चाहे जीरो कर लो चाहे जे को आप वन कर लो, प्रेजेंट स्टेट से और नेक्स्ट स्टेट का जो ट्रांजिशन है वो हमेशा वन से जीरो, वन से जीरो हमेशा बना हुआ है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ कि के तो हमेशा वन होना चाहिए, जे चाहे कुछ भी बना रहे, तो जे इक्वल टू एक्स, के इक्वल टू वन। सी बेटा सब बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है, अब वन वन के जल्दी सभी लोग बताओ, वन वन के लिए एक्स जीरो, यस यस यस, नाउ आई एम हैप्पी। ये चीज सभी को समझ में आ गई, और तो सब लोग अगर अपने आप से कर पा रहे हैं तो मतलब मुझे अच्छा लगता है कि सभी लोगों को समझ में आ गया, देन दिस इज एक्स जीरो। अब ये समझ में आ गया, अब याद कर लो, अब याद करने में कोई दिक्कत नहीं है, जीरो एक्स वन एक्स, इसके जस्ट अपोजिट हो जाएगा एक्स वन एक्स जीरो, अब याद कर सकते हो, अब कोई दिक्कत नहीं है, पहले समझना है फिर याद करना है, एक्साइटेशन टेबल सभी को याद रहेगी, कोई दिक्कत नहीं हो, जेके फ्लिप फ्लॉप की याद रखना। ठीक है सपना, मैं बता देता हूँ बेटा, देखो ध्यान से एक बार, वन वन का मैं बता देता हूँ, देखो ध्यान से, देखो वन वन से वन के लिए कंडीशन कौन कौन सी है, एक तो देखो वन से प्रेजेंट स्टेट वन है, नेक्स्ट स्टेट वन है ना, तो एक ये कंडीशन, प्रेजेंट स्टेट वन, नेक्स्ट स्टेट वन, एक ये कंडीशन, तो दो केसेस अपने पास बनना है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इन दोनों केस के लिए, इस वाले केस के लिए जे इक्वल टू जीरो, के इक्वल टू जीरो, इस वाले केस के लिए जे इक्वल टू वन, के इक्वल टू जीरो, तो मतलब ये कि के को तो तुमको जीरो रखना ही रखना है, और जे को तुम चाहे कुछ भी रख लो, तो जे इक्वल टू एक्स, के इक्वल टू जीरो, अगर ये कंडीशन रहेगी तो हमें वन से जीरो, वन से वन का हमारा ट्रांजिशन रहेगा। सभी को बात समझ में आ रही है ना कि ओके ठीक है, जे क्यू नेक्स्ट स्टेट प्रेजेंट है, तो जीरो जीरो वाला केस है और एक वन जीरो वाला केस है, तो देखो के तो जीरो हमेशा ही रहेगा, जे की वैल्यू हम कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई सभी को, चलो बहुत बढ़िया। तो अब ये चीज समझ में आ गई, तो स्टेट डायग्राम है तो कुछ भी नहीं है, स्टेट डायग्राम हम बनाते हैं स्टेट्स के लिए। सर हमारी जो स्टेट है, हमारे पास जो स्टेट है उसके पास में वैल्यू दो ही हो सकती है, क्योंकि वो वन बिट है, एक वैल्यू हो सकती है जीरो, एक वैल्यू हो सकती है वन। अगर मेरी प्रेजेंट स्टेट जीरो है और मुझे जीरो पे ही रहना है, तो जे की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जे इक्वल टू जीरो, के इक्वल टू एक्स। अगर मेरी प्रेजेंट स्टेट जीरो है, मुझे नेक्स्ट स्टेट वन बनानी है, सारी फिलिंग कहां से कर रहा हूं बेटा, एक्साइटेशन टेबल से, ये सब लोग ध्यान रखना, तो जे की वैल्यू वन, के इक्वल टू एक्स, जे की वैल्यू वन है और इसको वन पे ही रहना है, तो क्या वैल्यू होनी चाहिए, जे इक्वल टू एक्स, के इक्वल टू जीरो, जे की वैल्यू वन है और उसको कहाँ जाना है, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर उसकी वैल्यू वन है और उसको अगली वैल्यू उसको क्या करनी है, जीरो करनी है, तो व्हाट शुड बी द वैल्यू, जे इक्वल टू एक्स, के इक्वल टू वन। इस तरीके से स्ट्रेट डायग्राम कंप्लीट हम लोग बना सकते हैं बेटा, दिस थिंग इज क्लियर, दिस थिंग इज क्लियर। देखो बेटा अभी समझ में आएगा, एक बार अपनी एक्साइटेशन टेबल देखो, सबसे पहले समझने के लिए ये समझो कि स्टेट डायग्राम होता क्या है। स्टेट डायग्राम बेसिकली एक पिक्टोरियल, एक क्या कहते हैं, रिप्रेजेंटेशन होता है जो आपने एक्साइटेशन टेबल में बनाया है। तुम्हारी स्टेट है फॉर एग्जाम्पल क्यू एन प्लस वन, स्टेट कितने बिट की है, वन बिट की है, तो उसमें कितनी वैल्यू हो सकती है, दो वैल्यू हो सकती है, एक वैल्यू हो सकती है जीरो, एक वैल्यू हो सकती है वन, तो मैंने दो स्टेट बना दी, एक स्टेट मैंने जीरो बना दी, एक स्टेट मैंने वन बना दी। अब इसके बाद अब मुझे सारा का सारा जो ट्रांजिशन है वो मुझे रिप्रेजेंट करना है, बेटा माइक ऊपर ऑफ सुन जा रहा है, तो मेरा जो सारा का सारा जो रिप्रेजेंटेशन है वो मुझे पिक्टोरियल फॉर्म में बनाना है। तो अब मैं जीरो पे खड़ा हुआ हूँ, ये मान के चलो कि तुम्हारी स्टेट तुम एक्चुअली तुम खुद हो, तुम जीरो पे खड़े हो, तुम चाहते हो कि तुम प्रेजेंट में जीरो पे खड़े हो, नेक्स्ट में भी तुम जीरो पे ही रहना चाहते हो, तो प्रेजेंट स्टेट में तुम जीरो पे खड़े हो, नेक्स्ट स्टेट में तुम जीरो पे रहना चाहते हो, तो तुम्हारी इनपुट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जे इक्वल टू जीरो, के इक्वल टू एक्स। मैं जीरो पे हूँ, मैं जीरो पे ही रहना चाहता हूँ, तो मैंने क्या करी, जे इक्वल टू जीरो, के इक्वल टू एक्स। मैं जीरो पे खड़ा हुआ हूँ, मैं वन पे जाना चाहता हूँ, मैंने एरो से बताया कि मैं कहाँ जाना चाहता हूँ, तो मैं जीरो पे खड़ा हुआ हूँ, मैं वन पे जाना चाहता हूँ, मुझे वैल्यू क्या होनी चाहिए, जे इक्वल टू वन, के इक्वल टू एक्स। ये देखो एक्साइटेशन टेबल में लिखा हुआ है, यस सर, मैं वन आ गया ना समझ में। ठीक है सभी को बेटा क्लियर है ये चीज सभी को क्लियर है, कमेंट सेक्शन में बताओ बेटा सभी को एक बार। हाँ ब्लॉक डायग्राम बताऊंगा मैं, अभी बताता हूँ सबको, ये चीज सभी को क्लियर है, ओके चलो। तो अब लास्ट में रह गया इसका ब्लॉक डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम में कुछ नहीं है, दो इनपुट बनेंगे जेके
एक क्लॉक सिग्नल बनेगा। अभी इस क्लॉक सिग्नल के बारे में हम बहुत डिटेल में बात करने वाले, कोई परेशान मत होना। और दो स्टेट्स बनेंगी, एक स्टेट बनेगी प्रेजेंट, एक बनेगी नॉर्मल फॉर्म में और एक बनेगी कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में। सिंपल, दिस इज माई जेके फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, तो बेसिकली ये जो दो फ्लिप फ्लॉप, जो सबसे बड़े फ्लिप फ्लॉप थे, और हमने उनको कंप्लीट कर लिया। ठीक है, ये जी सभी को क्लियर है। चलो अब जो लास्ट के जो दो फ्लिप फ्लॉप रह गए हैं, एक रह गया है हमारा डी फ्लिप फ्लॉप और एक रह गया है टी फ्लिप फ्लॉप। दोनों ही बहुत सिंपल फ्लिप फ्लॉप है, इनके बारे में हम बात करते हैं। यहां तक मुझे लगता है सभी को क्लियर होगा बिल्कुल। ये देखना है कि तुम लोग का चैट कहाँ गया। ठीक है, ओके। अब बात करेंगे हम लोग दो फ्लिप फ्लॉप के बारे में। एक हम बात करेंगे डी फ्लिप फ्लॉप, जिसको हम डेटा फ्लिप फ्लॉप बोलते हैं, कभी कभी उसको ट्रांसपेरेंट फ्लिप फ्लॉप भी हम लोग बोल देते हैं। और एक बात करेंगे हम लोग इसको, या थोड़ा सा मैं पहले लाइन क्यों नहीं आ रही। चलो, नाउ द थर्ड फ्लिप फ्लॉप इज डी फ्लिप फ्लॉप। इसको हम लोग ट्रांसपेरेंट फ्लिप फ्लॉप भी बोलते हैं। एक इसका नाम डेटा फ्लिप फ्लॉप भी होता है। इट कैन बी मेड फ्रॉम जेके एंड एसआर फ्लिप फ्लॉप। दोनों ही फ्लिप फ्लॉप से बनाया जा सकता है। ये एसआर फ्लिप फ्लॉप से बनाया जा सकता है, जेके फ्लिप फ्लॉप से बनाया जा सकता है। कैसे बनाया जा सकता है मैं बता देता हूं। ये आप, मैं ब्लॉक डायग्राम से बता रहा हूं, ठीक है, आपको उसे समझ में आ जाएगा। ठीक है, दिस इज माई जेके फ्लिप फ्लॉप। इसमें ये मेरे इनपुट है जे के, दिस इज क्लॉक, दिस इज माई एस आर फ्लिप फ्लॉप। ये तो यहां रहेगा ना, हाँ, दिस इज माई एस आर फ्लिप फ्लॉप। दिस इज माई एस, दिस इज आर। ठीक, कुछ नहीं करना है आपको, जेके फ्लिप फ्लॉप की जगह आप बीच में बेसिकली यहां पर एक नॉट गेट लगा दीजिए, एक इनपुट यहां पे दे दीजिए डी का। इसी तरीके से यहां पर ऐसा फ्लिप फ्लॉप में इन दोनों इनपुट के बीच में एक नॉट गेट लगा दीजिए और यहां से एक इनपुट दे दीजिए डी। बात सभी को समझ आ रही है कि नहीं आ रही है। तो अब इस फ्लिप फ्लॉप के पास में कितने इनपुट हैं? इट इज ए सिंगल इनपुट फ्लिप फ्लॉप, सिंगल इनपुट फ्लिप फ्लॉप। कौन सा इनपुट है? डी। मतलब ये कि जे वाली जो इनपुट की जो लाइन है उसमें जा रहा है डी इनपुट, और जो के वाली लाइन है उसमें जा रहा है डी बार, क्योंकि ये अगर डी है यहां पर तो यहां पे क्या हो जाएगा? डी बार। इसी तरीके से एसआर फ्लिप फ्लॉप में एस वाली इनपुट लाइन पर जा रहा है डी, और आर वाली लाइन पे क्या जा रहा है? डी बार। तो आउटपुट क्या होगा वो हम लोग देख लेते हैं एक बार। दिस इज क्यू एन प्लस वन, दिस इज क्यू एन प्लस वन बार, दिस इज क्यू एन प्लस वन, सॉरी, एंड दिस इज क्यू एन प्लस वन बार। अभी बस ट्रुथ टेबल देखकर समझ में भी आएगा, देखो ध्यान से। कितने इनपुट होंगे ट्रुथ टेबल में? एक तो क्लॉक होगा, इनपुट तो एक ही है डी, नेक्स्ट स्टेट क्यू एन प्लस वन,
क्यू एन प्लस वन बार। क्लॉक सिग्नल अगर जीरो है तो डी तो कुछ भी बना रहे, हमको क्या मिलेगा, हमारा प्रीवियस स्टेट मिलेगा, ठीक है। अगर क्लॉक सिग्नल वन है तो इनपुट कितने कितने इनपुट हो सकते हैं, सिंगल इनपुट है सर, दो इनपुट कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, एक तो जीरो एक ये वन, ठीक है। अगर मैं क्लॉक सिग्नल को वन रखता हूं तो अब देखो डी की वैल्यू जीरो है सर, ध्यान से देखो, जेके से भी देखो एसआर से देखो, दोनों समझाऊंगा, परेशान नहीं होना है बिल्कुल भी। सर अगर डी की वैल्यू जीरो है तो तुम सभी लोग ध्यान से मुझे बताओ कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जे, जीरो, व्हाट इज द वैल्यू के, वन। मतलब ये कि व्हेन जे इक्वल टू जीरो और के इक्वल टू वन वैल्यू क्या मिलती है, जल्दी से बताओ सभी लोग, व्हेन जे इक्वल टू जीरो के इक्वल टू वन तो नेक्स्ट स्टेट क्या मिलेगा आपको, क्यू एन प्लस वन क्या मिलेगा आपको, जल्दी सभी लोग बताओ। एस आर जे के फ्लिप फ्लॉप में व्हेन जे इक्वल टू जीरो और के इक्वल टू वन है तो आउटपुट क्या मिलेगा, जीरो। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड, जीरो, दिस इज वन। इसी तरीके से ऐसा फ्लिप फ्लॉप में देखो, व्हेन डी इक्वल टू जीरो तो एस की वैल्यू क्या होगी, जीरो, आर की वैल्यू होगी वन, तो यहाँ भी सेम वही ऐसा फ्लिप फ्लॉप में वही सेम मिलेगा। मतलब हम ऐसा हम अपने डी फ्लिप फ्लॉप को हम चाहे तो जेके फ्लिप फ्लॉप से भी बना सकते हैं, चाहे तो ऐसा फ्लिप फ्लॉप से भी बना सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट केस, अगर डी की वैल्यू वन है, अगर डी की वैल्यू क्या है वन है तो जे की वैल्यू क्या है वन, के की वैल्यू क्या है जीरो, डी की वैल्यू वन है, एस की वैल्यू क्या है वन, आर की वैल्यू क्या है जीरो, तो मुझे क्या मिलेगा, क्यू एन प्लस वन की वैल्यू क्या मिलेगी, वन और जीरो। ये चीज सभी को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, दिस थिंग इज क्लियर और नॉट नाउ। अरे यस तो बोलो, समझ में आया बेटा, नहीं आया नहीं बना, फिर से समझाऊ। यस सर आ गया, आ गया, बाकी लोग कमेंट सेक्शन बताओ समझ में आ गया, ठीक है। चलो तो बेटा अब देखो मैं ये बता रहा हूँ कि वाई इट इज कॉल्ड एज ट्रांसपेरेंट फ्लिप फ्लॉप या ट्रांसपेरेंट लैच, वाई इट इज कॉल्ड एज डेटा फ्लिप फ्लॉप। देखो कि जो भी आप इनपुट में दोगे वही आपको क्या मिलेगा, आउटपुट में मिलेगा, जो भी आप इनपुट में दोगे वही आपको आउटपुट में मिलेगा, तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं डेटा फ्लिप फ्लॉप। मतलब जो डेटा आप इनपुट में दोगे वही आउटपुट में आपको डेटा मिलेगा, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज डेटा फ्लिप फ्लॉप। व्हाई इट इज कॉल्ड एज ट्रांसपेरेंट, व्हाट इज, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट का मतलब सर ये होता है जो अंदर वही बाहर, जो अंदर वही बाहर, ट्रांसपेरेंट का मतलब यही होता है। तो इसी तरीके से जो आपने इनपुट दिया वो पूरा का पूरा आउटपुट में ट्रांसपेरेंट शो हो रहा है, मतलब इनपुट ही आउटपुट में दिख रहा है, ऐसी चीज को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंट कहते हैं, ठीक है। बात सभी को समझ में आ रही है क्यों उसको ट्रांसपेरेंट फ्लिप फ्लॉप या क्या है उसको डेटा फ्लिप फ्लॉप कहा जा रहा है, दिस थिंग इज क्लियर बेटा फॉर एवरीवन, ओके ओके चलो वेरी गुड। आफ्टर दैट वी विल ड्रॉ करेक्टरिस्टिक टेबल, करेक्टरिस्टिक टेबल में कितने इनपुट्स होंगे, दो इनपुट्स होंगे, अज्यूम क्या करते हैं, क्लॉक सिग्नल इक्वल टू वन, डी क्यू एन, नेक्स्ट स्टेट इज क्यू एन प्लस वन, जीरो जीरो, जीरो वन, वन जीरो, वन वन। अभी बताया आपको मैंने कि सर डी की वैल्यू जीरो तो जीरो मिलेगा, डी की वैल्यू वन तो मुझे वन मिलेगा, तो प्रेजेंट स्टेट को तो देखने नहीं है सर, डी की वैल्यू जीरो तो जीरो मिलेगा, डी की वैल्यू जीरो तो जीरो मिलेगा, डी की वैल्यू वन तो वन मिलेगा, डी की वैल्यू वन तो वन मिलेगा, दिस इज माय करेक्टरिस्टिक टेबल। यहां से मैं करेक्टरिस्टिक इक्वेशन बता सकता हूं, व्हाट इज द करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। सर करेक्टरिस्टिक इक्वेशन के लिए क्या केवीएम बनाने की जरूरत है, नो बेटा, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाने के लिए केवीएम बनाने के लिए इसलिए आपको जरूरत नहीं है, आप देखो कि क्यू नेक्स्ट स्टेट वो ही सेम है जो डी दिया हुआ है, तो डायरेक्टली मैं क्या कह सकता हूँ, क्यू एन प्लस वन इक्वल टू डी। बात सभी को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, क्यों मैं डायरेक्टली कह सकता हूँ, क्यों मैं कह सकता हूँ कि डायरेक्टली डी है, मुझे केवीएम बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सर केवीएम भी तो यही करता है, चीजों को सिंप्लीफाई करता है, और मुझे बिना कीमत की मदद से ही मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, मैं डायरेक्टली कह सकता हूँ कि सर मेरा जो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन है जो मैंने नेक्स्ट स्टेट है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, सर उसने इनपुट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। यस यस बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। एक्साइटेशन टेबल, एक्साइटेशन टेबल बनाने के लिए इसमें कुछ भी नहीं है सर, प्रेजेंट स्टेट क्यू एन है, This is QN plus one. चार इनपुट कॉम्बिनेशन चाहिए, जीरो जीरो, जीरो वन, वन जीरो, वन वन। सर ये तो बहुत ही सिंपल है बनाना, इनपुट एक ही है,
मुझे पता है नेक्स्ट ईयर मुझे जो चाहिए वही मुझे इनपुट देना पड़ेगा, तो क्या मुझे प्रेजेंट स्टेट से नेक्स्ट ईयर का ट्रांजिशन देखने की जरूरत है? नो, जीरो चाहिए तो जीरो देना पड़ेगा, वन चाहिए तो वन देना पड़ेगा, जीरो चाहिए तो जीरो देना पड़ेगा, वन चाहिए तो वन देना पड़ेगा। मैंने पहले ही कहा था कि एसआर फ्लिप फ्लॉप और जेके फ्लिप फ्लॉप मेन फ्लिप फ्लॉप ही मेन होते हैं, वो समझ गए सब समझ में आ जाएगा। एक बार फ्लिप फ्लॉप का बेसिक समझ में आ गया तो कुछ भी नहीं है फ्लिप फ्लॉप में, फ्लिप फ्लॉप से इजी चीज कुछ भी नहीं है। बेटा ये चीज सभी को क्लियर है? एक्साइटेशन टेबल सभी को क्लियर है? यस और नो? यस। चलिए तो अब कुछ बचा ही नहीं, एक्साइटेशन टेबल भी बन गई हमारी। अब हम स्टेट डायग्राम बना लेंगे। स्टेट डायग्राम बनाने में एक ही स्टेट है, दिस इज जीरो, दिस इज वन। सर जिस स्टेट पे जाना है वो इनपुट लेना पड़ेगा, मुझे जीरो से जीरो पे ही जाना है, मतलब मुझे अगली बार जीरो पे ही जाना है तो डी इक्वल टू जीरो, जीरो से वन पे जाना है तो डी इक्वल टू वन, वन से वन पे ही रहना है तो डी इक्वल टू वन, वन से जीरो पे जाना है तो डी इक्वल टू जीरो। सिंपल, ठीक है, सभी को क्लियर हो गया? सर डी फ्लिप फ्लॉप तो बहुत ही ईजी था सर, इसमें कुछ भी नहीं था। सभी को क्लियर हो गया? चलो, आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। अब अगला हम लोग देखेंगे, द लास्ट फ्लिप फ्लॉप इज टी फ्लिप फ्लॉप। लास्ट फ्लिप फ्लॉप इज It is also called as toggle flip-flop. It is also called as toggle flip-flop. It is made by shorting the two inputs of JK flip-flop. It is made by shorting the two inputs of JK flip-flop. देख लेते हैं क्या होता है ये। बेसिकली बेटा ये जो टॉगल फ्लिप फ्लॉप बनता है ये जेके फ्लिप फ्लॉप से बनता है, ये डी फ्लिप फ्लॉप की तरह एसआर फ्लिप फ्लॉप से नहीं बनेगा। दिस इज माय जेके फ्लिप फ्लॉप, दिस इज क्लॉक सिग्नल। बेटा किसी को कोई डाउट है क्या? अगर नहीं है तो बेटा माइक ऑफ करो। दिस इज क्लॉक सिग्नल, दिस इज माय जे इनपुट, दिस इज माय के इनपुट। मैंने क्या बोला यहाँ पर कि इट इज मेड बाय शॉर्टिंग द टू इनपुट्स ऑफ जे के फ्लिप फ्लॉप, मतलब दोनों फ्लिप फ्लॉप के इनपुट्स को शॉर्ट करना है आपको, शॉर्ट कर दो। मैंने शॉर्ट कर दिया और एक इनपुट दे दो, दैट इज नोन एज टी इनपुट। ठीक है, तो यहाँ पर इनपुट क्या है? सिंगल इनपुट फ्लिप फ्लॉप है ये, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज सिंगल इनपुट फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, जस्ट टी। तो अब देख लेते हैं इसकी ट्रुथ टेबल क्या बनेगी। Just wait a minute.
अगर क्लॉक सिग्नल ठीक है, अगर क्लॉक सिग्नल जीरो है तो टी में से कुछ भी बना रहा है, हमें प्रेजेंट स्टेट हमें नेक्स्ट स्टेट में क्या मिलेगा, प्रेजेंट स्टेट ही मिलेगी। क्लॉक सिग्नल अगर बने हैं तो इनपुट हमारा सिंगल है तो कितने इनपुट कॉम्बिनेशन पॉसिबल हो सकते हैं, दो, या टॉगल की वैल्यू जीरो हो या टॉगल की वैल्यू वन हो। अब आप मुझे बताओगे, सभी लोग मुझे ध्यान से बताओगे, सर व्हेन टी इक्वल टू जीरो, व्हेन टी इक्वल टू जीरो तो क्या होगा, शॉर्टेड है तो जे की वैल्यू भी जीरो, के की वैल्यू भी जीरो, तो मुझे नेक्स्ट स्टेट में मुझे क्या मिलेगा, सब लोग जल्दी से बताओ मुझे नेक्स्ट स्टेट में क्या मिलेगा, कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताओ सभी लोग, तुम लोग को जेके फ्लिप फ्लॉप पता है, यस क्यू एन मिलेगा सर, मतलब उसकी प्रीवियस स्टेट सर हमको जो अभी है वही हमको मिलेगी, बिकॉज व्हेन जे इक्वल टू जीरो के इक्वल टू जीरो हमको हमेशा उसकी प्रीवियस स्टेट मिलेगी, यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगी क्यू एन। ये चीज सभी को समझ में आई बेटा, सिर्फ दो ही लोगों ने आंसर किया, बाकी लोगों ने आंसर नहीं किया है, सभी को ये चीज क्लियर है? यस सर। ओके, बाकी लोग बेटा कमेंट सेक्शन में सभी को ये चीज क्लियर है क्यों मैंने क्यू एन लिखा? ओके ओके ठीक है सर, अगर मैं टी की वैल्यू को वन करूंगा तो क्या होगा, जे इक्वल टू वन के इक्वल टू वन, अगर मैं टी की वैल्यू को वन करूंगा, मैं अगर यहां पर टी की वैल्यू को वन कर दूं तो क्या होगा, जे भी वन हो जाएगा के भी वन हो जाएगा, तो आपको आउटपुट में क्या मिलेगा, सभी लोग जल्दी से बताओ सर, क्यू एन बार होगा, बिल्कुल बेटा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सभी लोग वेरी गुड, आपको यहां पर क्यू एन बार मिलेगा। इसीलिए जब भी आप इसके इनपुट को वन करेंगे, आप टॉगल टी फ्लिप फ्लॉप के आप इनपुट को वन करेंगे तो जो भी आपकी स्टेट पहले से प्रेजेंट है उस फ्लिप फ्लॉप के अंदर वो उसका टॉगल कर देगा, अगर वन है तो जीरो कर देगा, जीरो है तो वन कर देगा। जब भी इनपुट आप उसका हाई करोगे तो ये अपने प्रेजेंट स्टेट को नेक्स्ट स्टेट के लिए हमेशा टॉगल कर देगा, इसीलिए इस फ्लिप फ्लॉप को हम टॉगल फ्लिप फ्लॉप भी कहते हैं, टी फ्लिप फ्लॉप उसके शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। तो यहाँ पर दो ही स्टेट होती हैं सर, एक होती है इसकी होल्ड स्टेट और एक होती है इसकी टॉगल स्टेट। दिस थिंग इज क्लियर फॉर एवरीवन, आई होप दिस इज क्लियर। चलो Now next one is characteristic table. Characteristic table बनाने के लिए हम लोग assume करते हैं clock signal क्यों होना चाहिए वन, तो external input कितना है यहाँ पर, एक ही है टी और एक present state लेना पड़ेगा क्यू एन, कितने input combination possible है, चार, जीरो 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 वन, वन जीरो वन वन, तो next state क्या होगी सर, अब देख लेते हैं सर, टी की वैल्यू जब जब जीरो रहेगी, टी की वैल्यू सर जब जब जीरो रहेगी तो वो उसके होल्ड स्टेट को फॉलो करता है, वो नेक्स्ट स्टेट को चेंज नहीं करता, जो भी प्रीवियस स्टेट में है वही मिलेगा, तो जीरो है तो जीरो, वन है तो वन, व्हेन टी इक्वल टू वन तो क्या होता है, जब टी की वैल्यू वन होती है तो क्या होता है, टॉगल होता है, देखा ना, टॉगल होता है तो जो भी प्रेजेंट स्टेट है उसका क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा, तो क्यू एन की वैल्यू जीरो है तो वन मिलेगा, क्यू एन की वैल्यू वन है तो जीरो मिलेगा। जल्दी से आप लोग मुझे बताओ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या आएगी इसकी, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फॉर टॉगल फ्लिप फ्लॉप, एनीवन सर, हमको के में सॉल्व करना पड़ेगा सर, क्योंकि सर हमको लॉजिक गेट्स याद नहीं है, हमको ट्रुथ टेबल देख के कुछ भी याद नहीं आ रहा है सर, इसलिए सर हमको के में सर बनाना पड़ेगा सर, ऐसा है क्या, ट्रुथ टेबल देख के कुछ भी याद नहीं आ रहा, इसकी ट्रुथ टेबल है ये, किस चीज की ट्रुथ टेबल है बेटा, एक्सोर नियति, एक्सोर प्रवल इज एक्सोर, ओके ओके वेरी गुड बेटा। सर देखो सर, दो इनपुट में जब जीरो वन है, वन जीरो मिलता है तो हमको कब मिलता है, हमको सर ये तब मिलता है जब जब हम एक्सोर ऑपरेशन कराते हैं किसी दो इनपुट के बीच में, जितने लोगों ने आंसर नहीं किया है ना बेटा, रिवीजन नहीं कर रहे हो, रिवीजन नहीं करोगे ना तो सब भूल जाओगे,
क्योंकि जब मिड सेम होगा ना तो मिड सेम थोड़ा टफ होगा, इजी नहीं होगा। तो ये कैरेक्टरिस्टिक टेबल कैरेक्टरिस्टिक क्वेश्चन सभी को समझ में आ गई। चलो वेरी गुड बेटा। नाउ आफ्टर दैट वी विल सी एक्साइटेशन टेबल। एक्साइटेशन टेबल के लिए दो इनपुट होते हैं Qn, Qn plus 1। इनपुट कितना है? T 0 0 0 1 1 0 1 1। अब बताओ मेरे सभी लोग, सर 0 0 है तो मुझे क्या चाहिए? मुझे सर देखिए प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट 0 0, मतलब टॉगल नहीं कर रहा, ये होल्ड करा हुआ है। तो 0 सर पहले 0 था इसने बंद कर दिया, मतलब इसने टी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1। सर 1 था फिर 0 कर दिया, सर इसका टी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1। सर प्रेजेंट स्टेट की वैल्यू 1 है, नेक्स्ट स्टेट की वैल्यू 1 है, मतलब सर ये टी की वैल्यू 1 है, तो टी की वैल्यू 1 होती तो वो उसको क्या करता? टॉगल करता। लेकिन ये इसको टॉगल नहीं करा तो इसका वैल्यू क्या होगी? 0। ये चीज सभी को क्लियर है बेटा? एक्साइटेशन टेबल सभी को क्लियर है? कमेंट सेक्शन बताओ बेटा सभी लोग, क्या एक्साइटेशन टेबल सभी को क्लियर है? ओके वेरी गुड। तो स्टेट डायग्राम बना लेंगे इसका। स्टेट डायग्राम सर अगर हमको एक्साइटेशन टेबल बिल्कुल क्लियर है तो हमको स्टेट डायग्राम बनाने में कुछ होता ही नहीं है। स्टेट डायग्राम तो हम तुरंत बना लेते हैं सर हवा की तरह। सर एक ही एक स्टेट है, 1 बिट की स्टेट है, तो कितनी स्टेट्स हो इसकी, कितने पॉसिबल स्टेट्स हो सकती है? 2, 1 0, 1। तो एक मैं 0 बना लेता हूँ और एक मैं 1 बना लेता हूँ। सर जरूरी है सर कि मैं यहाँ 0 रखूँ मैं या 1 रखूँ? या सपने में बताता हूँ बेटा, जरूरी है सर कि मैं यहाँ 0 रखूँ या 1 रखूँ? नो बेटा, आपकी मर्जी है, आप 1 यहाँ रख लो 0 यहाँ रख लो, आपकी मर्जी है। आपको तो बेसिकली एरो करके बताना है कि कब 0 से जा रहे हैं कब 1 पे जा रहे हैं। देखो बेटा सपना, देखो ध्यान से देखो, एक्साइटेशन टेबल होता है प्रेजेंट स्टेट से नेक्स्ट स्टेट जाने के लिए। तो अपन प्रूफ टेबल देखो ध्यान से। सर अगर टी की वैल्यू 0 है तो ये प्रीवियस स्टेट को रखता है, टी की वैल्यू 1 है तो ये प्रीवियस स्टेट को क्या कर देता है? टॉगल कर देता है। बस ये याद रखना है टी फ्लिप फ्लॉप के बारे में, मतलब अगर तुमने इनपुट को हाई कर दिया तो जो भी प्रेजेंट स्टेट है उसको कॉम्प्लीमेंट करेगा ही करेगा, टॉगल करेगा ही करेगा। अब देखो मुझे, मैंने 2 स्टेट्स को लेके मैंने बना दिया 0 0, 4 इनपुट कॉम्बिनेशन पॉसिबल है 0 0 0 1 1 0 1 1। पहले वाले इनपुट कॉम्बिनेशन को देखो, प्रेजेंट स्टेट 0 है, नेक्स्ट स्टेट में आप 0 रखते हैं, नेक्स्ट स्टेट में भी आप 0 रखते हैं। अब इनपुट के पास में तुम्हारी दो पॉसिबिलिटी है, 1 0 और 1। तो अगर मैंने टी को 1 कर दिया तो सर इसको अपने प्रेजेंट स्टेट से नेक्स्ट स्टेट में आने के लिए कॉम्प्लीमेंट करना पड़ता, लेकिन ये तो कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहा, ये उसी स्टेट को बरकरार रखे हुए है। तो मैं टी की वैल्यू मतलब क्या होनी चाहिए? 0। सर अगर टी की वैल्यू 0 है, क्यू एन की वैल्यू 0 है, क्यू एन प्लस 1 की वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब सर क्या है? मेरे पास दो पॉसिबिलिटी है, या तो टी की वैल्यू 0 हो सकती है या टी की वैल्यू 1 हो सकती है। टी की वैल्यू अगर 0 होती सर तो क्या प्रेजेंट स्टेट से नेक्स्ट स्टेट चेंज होती? नो सर, क्योंकि टी की वैल्यू अगर 0 है, अगर टी की वैल्यू से 0 होती तो वो अपनी उसी स्टेट को फॉलो करती रखता है, बट यहाँ पर तो स्टेट चेंज हो रही है, 0 से 1 की तरफ आ रही है, तो मतलब टी की वैल्यू को 1 करना पड़ेगा। इसी तरीके से 1 से 0 की तरफ जा रहे हैं तो टी की वैल्यू को 1 करना पड़ेगा। लास्ट वाला देखो कि क्यू एन इक्वल टू 1 है और क्यू एन प्लस 1 इक्वल टू 1 है। अगर मैं टी की वैल्यू को 1 कर देता सर तो 1 की जगह क्या आ जाता है? नेक्स्ट स्टेट 0 आ जाती, टॉगल करता, बट यहाँ तो वो सेम स्टेट को फॉलो किए हुए, इसी टी की वैल्यू 0 होगी। सपना इज दिस क्लियर बेटा? ओके चलो। तो सर अगर हमारा ये एक्साइटेशन टेबल अगर हमको क्लियर है तो सर हम इजीली इसके लिए स्टेट डायग्राम बना सकते हैं। तो 0 से अगर मैं 0 पर रहता हूँ, 1 से अगर 1 पर रहता हूँ, 0 से 1 पर रहता हूँ और 1 से 0 की तरफ जाता हूँ। अब तुम लोग सोचो, मुझे नहीं लगता कि मैंने 3 फ्लिप फ्लॉप के बता दिया तो मुझे इस फ्लिप फ्लॉप के बारे में बताना पड़ेगा। एक्साइटेशन टेबल तुम्हारे सामने है, 0 से 0 की तरफ रहता हूँ तो टी इक्वल टू 0, 0 से 1 की तरफ जाता हूं तो t इक्वल टू 1, 1 से 0 की तरफ जाता हूं तो t इक्वल टू 1, 1 से 1 की तरफ रहता हूं तो t इक्वल टू 0। आई थिंक दिस इज क्लियर, बहुत ही सिंपल है। सर ये फ्लिप फ्लॉप तो आपने फालतू की बातें कर रहे थे, सर कितना सिंपल है सर फ्लिप फ्लॉप। सर फ्लिप फ्लॉप तो सर मुझे लगता है कि फ्लिप फ्लॉप से सिंपल चीज तो कोई हो ही नहीं सकती सर। मुझे तो मल्टीप्लेक्सर डी मल्टीप्लेक्सर से भी सर सिंपल दिख रहा है फ्लिप फ्लॉप सर, इसमें कुछ नहीं करना है सर। एक बार फ्लिप फ्लॉप समझ में आ गया तो सारी चीजें मुझे समझ में आ गई। बट बेटा अभी हम लोगों ने फ्लिप फ्लॉप का बेसिक्स पढ़ा है,
दिस इज द बेसिक ऑफ ऑल द फोर फ्लिप फ्लॉप्स, चाहे वो हमारा एस आर फ्लिप फ्लॉप हो, चाहे वो हमारा जे के फ्लिप फ्लॉप हो, चाहे वो हमारा टी फ्लिप फ्लॉप हो, चाहे वो हमारा डी फ्लिप फ्लॉप हो. हम लोगों ने बेसिक बेसिक मैथमेटिक्स जो होता है फ्लिप फ्लॉप का वो अभी देखा है. सर आई डू नॉट नो वॉट एग्जैक्टली इज द मीनिंग ऑफ स्टेट डायग्राम. एक्चुअली में सर ये स्टेट डायग्राम क्या होता है आई डू नॉट नो सर. अभी तो आपने बस एक्साइटेशन टेबल से हमको स्टेट डायग्राम बनाना बता दिया है. आप दुनिया में किसी भी फ्लिप फ्लॉप की आप स्टेट डायग्राम मुझे एक्साइटेशन टेबल बता दो, मैं स्टेट डायग्राम बना दूंगा या बना दूंगा. बट आई डू नॉट नो सर वट इज द फिजिकल मीनिंग ऑफ स्टेट डायग्राम. जस्ट वेट फॉर फ्यू डेज जब हम लोग सिक्वेंस डायरेक्टर या सिक्वेंस जनरेटर जब पढ़ेंगे तो हम स्टेट डायग्राम देखेंगे कि स्टेट डायग्राम का मतलब एक्चुअली होता क्या है. सर आई डू नॉट नो सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लॉक. आपने बस बता दिया कि भाई एक्सटर्नल क्लॉक सिग्नल लगा देते हैं तो हमारा बेसिकली क्या हो जाता है, हमारा क्लॉक सिग्नल हमारा लग जाता है और उससे फिर इनपुट चेंज हो जाते हैं. बट मैं नहीं जानता सर ये क्लॉक सिग्नल किस तरीके से बनाया जाता है या क्लॉक सिग्नल का बेसिक एप्लीकेशन क्या है. तो ये अभी तक हमने सिंपल मैथमेटिक्स सारे फ्लिप फ्लॉप की पढ़ी. आपके एग्जाम में फ्लिप फ्लॉप में यहीं से क्वेश्चन आता है, इसीलिए मैंने बाकी सारी कहानी से पहले आपको पहले ये बता दिया. सर जेके फ्लिप फ्लॉप का कोई डिसएडवांटेज है? यस यस निशा, निशा ने बेटा ने निशा बच्ची ने एक क्वेश्चन पूछा है सर व्हाट इज देयर ए डिसएडवांटेज ऑफ जेके फ्लिप फ्लॉप. यस बेटा देयर इज अ बिगर डिसएडवांटेज ऑफ जेके फ्लिप फ्लॉप. सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है जेके फ्लिप फ्लॉप में जिसका नाम है रेस अराउंड कंडीशन. नहीं निशा, टी और डी फ्लिप फ्लॉप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से. बेटा ये बेसिकली ना हम लोग जेके फ्लिप फ्लॉप से बना रहे हैं निशा, इसीलिए हम लोग टी एंड डी फ्लिप फ्लॉप को यूज कर रहे हैं. निशा अपनी क्वेरी को ना प्राइवेटली मत डाला करो, एवरीवन के लिए डालो. सभी लोग अपनी क्वेरीज को ना एवरीवन डाला करो जिसको सबको सभी को सब दिखे कि हाँ भाई ये क्वेरी है हमारी. तो सब औरों की भी हो सकती है कि यही क्वेरी हो, है ना. ठीक निशा क्वेश्चन था कि सर इज देयर अ डिसएडवांटेज ऑफ जेके फ्लिप फ्लॉप. निशा ने मुझे लगता है कि बहुत ही मतलब अनोइंगली उसने क्वेश्चन पूछ लिया कि सर व्हाट इज द डिसएडवांटेज, बट उसने अनोइंगली बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया. द बिगेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ जेके फ्लिप फ्लॉप इज नोन एज रेस अराउंड कंडीशन, जो हम लोग अगली क्लास में देखने वाले हैं कि व्हाट इज रेस अराउंड कंडीशन. उसी रेस अराउंड कंडीशन को दूर करने के लिए हमने एक नया फ्लिप फ्लॉप बनाते हैं, दैट फ्लिप फ्लॉप इज कॉल्ड एज मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप. ये सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं बेटा. अब हम हमारे बेसिक्स क्लियर है. अब क्या है, अब हम लोगों के पास में सारे गैजेट्स आ गए हैं, मतलब हमारे पास में तलवार आ गई है, हम लोग के पास में भाला आ गया है, हम लोग के पास में हेलमेट आ गया है. बस अब हम लोग युद्ध लड़ने वाले हैं. ठीक है, तो आई थिंक द फ्लिप फ्लॉप बेसिक्स इज क्लियर. आने अगली वाली क्लास में जो हम टॉपिक देखेंगे, एक टॉपिक देखेंगे ट्रिगरिंग ऑफ फ्लिप फ्लॉप. नेक्स्ट लेक्चर में जो हम लोग देखने वाले हैं, क्योंकि मैं अभी शुरू नहीं करूंगा, अभी शुरू कर दूंगा तो खत्म नहीं हो पाएगा, वो कम से आधा घंटा लगेगा. ट्रिगरिंग ऑफ फ्लिप फ्लॉप एंड रेस अराउंड कंडीशन, अगली बड़ी क्लास में हम लोग ये चीज देखने वाले हैं. ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये सारी चीजें हम लोग इस बारे में देखेंगे कि व्हाट इज ट्रिगरिंग ऑफ फ्लिप फ्लॉप, व्हाट इज रेस अराउंड कंडीशन. वी विल सी इन ए वेरी सपना व्हाई द नेम इज फ्लिप फ्लॉप. अब फ्लिप और फ्लॉप का मतलब एक्चुअली बेसिकली ये होता है कि जिनकी स्टेट्स होती है ना वो हमेशा जीरो वन पे मूव होती रहती है, कभी जीरो कभी वन, कभी जीरो कभी वन. तो अगर पल्सेस के फॉर्म में मैं अगर इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा तो पल्सेस देखो कुछ इस तरीके से रहती है, दिस इज जीरो दिस इज वन, समटाइम इट इज जीरो समटाइम इट इज वन, समटाइम इट इज जीरो समटाइम इट इज वन, समटाइम्स इट इज जीरो समटाइम इट इज वन. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज फ्लिप फ्लॉप, फ्लिप फ्लॉप, फ्लिप फ्लॉप. बस समझ में आ रहा है ना सपना. ओके, तो नेक्स्ट स्टेट में नेक्स्ट 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 लेक्चर में हम लोग जो देखेंगे दैट इज ट्रिगरिंग ऑफ फ्लिप फ्लॉप और रेस अराउंड कंडीशन. बहुत ही डिटेल में आप देखेंगे, सारी क्लासेस आप लोग मिस मत करना, है ना. क्योंकि अब ये जो सिक्वेंशियल सर्किट वाली क्लास है, वैसे तो अभी कोई भी क्लास आपको मिस नहीं करना चाहिए क्योंकि ये सिक्वेंशियल सर्किट बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर एक ही बीच में क्लास में मिस कर दोगे तो मैं कह रहा हूँ पूरा वो जो हृदय में पूरा पूरा ब्रेक हो जाए. ठीक है, तो इसीलिए सारे लोग अपनी क्लासेस को फॉलो करते रहो, सब चीजें समझ में आती चलेंगी और सब चीजें बहुत ईजी है. आपको मजा आएगा एक्चुअली में कि हाँ सर फ्लिप फ्लॉप में मैं समझ पा रहा हूँ कि व्हाट इज द फिजिकल मीनिंग ऑफ फ्लिप फ्लॉप या व्हाट इज द फिजिकल मीनिंग ऑफ सिक्वेंशियल सर्किट. मतलब तुम एक डिजाइनर की तरह सोच पाओगे अगर तुम्हारी सारी की सारी क्लासेस अगर एक सिक्वेंस में चलती जाएंगी, चाहे कोई भी क्या कहते हैं, हाँ सपना बताता हूँ, चाहे कोई भी तुम्हारा क्या कहते हैं बेसिकली कुछ भी हो, चाहे तुम्हारा क्या कहते हैं ईडीसी सब्जेक्ट हो या डीसीए सब्जेक्ट हो या इंस्ट्रूमेंटेशन सब्जेक्ट हो, क्लासेस का रिदम बनना बहुत जरूरी है. मैंने स्टार्टिंग बताया था कि वो जो डॉट वाला गेम होता है ना, तो वो डॉट्स जब सारे कनेक्टेड होंगे तभी स्क्वायर बनेगा. तो इसीलिए क्लासेस मिस मत करो, क्लासेस इतने सारे रेगुलर करते रहो, सारे सारे ये सारे सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. डीसीएस हो गया, EDC हो गया,
या फिर बेसिकली क्या कहते हैं आपका डीसीएस हो गया, ईडीसी हो गया, इंस्ट्रूमेंटेशन हो गया, दीज ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स। लगभग अगर आप अपनी फील्ड में जाकर जॉब करना चाहते हो तो इनकी नॉलेज होना आप लोग को बहुत जरूरी है। हाँ सपना, सपना ने क्वेश्चन पूछा सर व्हाट इज द यूज ऑफ करेक्टरिस्टिक इक्वेशन, मुझे बताओ कि हमेशा हम लोग के मैप से इक्वेशन क्यों बनाते थे, मतलब हमारे पास जब भी हम लोगों ने के मैप पढ़ा या हम लोगों ने के मैप पढ़ा तो हमने क्यों निकाला, या हम लोगों ने कॉम्बिनेशनल सर्किट पढ़ा तो हम लोग इक्वेशन हमेशा क्यों निकालते थे। बेटा इक्वेशन हम लोग इसलिए निकालते हैं कि फिजिकल रियलाइजेशन के लिए। अब आपने तो मुझे ये बता दिया कि सर डी फिफ्थ ऑफ ये होता है, लेकिन अगर इसका जब मैं फिजिकल रियलाइजेशन करूंगा तो फिजिकल रियलाइजेशन करने के लिए या मुझे जेके फ्लिप फ्लॉप के फिजिकल रियलाइजेशन के लिए मुझे गेट्स चाहिए। अब वो गेट्स कैसे बनाऊंगा सर, जैसे फॉर एग्जांपल जेके फ्लिप फ्लॉप की ये कंडीशन है क्यू एन प्लस वन इक्वल टू क्या आया था बेटा, जे क्यू एन बार प्लस के बार क्यू एन, फॉर एग्जाम्पल ये इक्वेशन आई और भी कुछ भी इक्वेशन ये निकल के आई, फॉर एग्जाम्पल ये इक्वेशन निकल के आएगी जे क्यू एन बार प्लस के बार क्यू एन। अब ये इक्वेशन जब तक बेटा मेरे पास में नहीं है तो क्या मैं इसका लॉजिक सर्किट डायग्राम रियलाइज कर सकता हूं? नो, ये इक्वेशन आ गई। अब सर मैं बड़े आराम से मैं क्या करूंगा सर, मुझे एक एंड गेट चाहिए, एक नॉट गेट चाहिए, एक एंड गेट चाहिए, एक नॉट गेट चाहिए। उसकी मदद से सर अगर मुझे आउटपुट चाहिए, सर्किट डायग्राम के बारे में बात नहीं कर रहा हूं मैं, आउटपुट अगर मुझे चाहिए, मुझे कैरेक्टरिस्टिक रियलाइज करनी है तो उसके लिए सर मुझे इक्वेशन जरूरी चाहिए, क्योंकि इसी इक्वेशन की मदद से मैं क्या करूंगा, मेरे पास दो एंड गेट हो, एक एंड गेट ये हो और एक एंड गेट मेरे पास और हो, तो क्या होगा, यहाँ पे मैं जे इनपुट कर दूं, यहाँ पे मैं क्यू एन बार कर दूं, यहाँ पर मैं के कर दूं और के बार कर दूं और यहाँ पे मैं क्यू एन कर दूं, इन दोनों के आगे जाके मैं एक और गेट लगा दूं और गेट बनाने के बाद में मेरा ये क्या हो जाएगा, मेरा नेक्स्ट गेट हो जाएगा। क्लियर हो नॉट, तो किसी भी डिजिटल सर्किट को रियलाइज करने के लिए, ड्रॉ करने के लिए या रियल लाइफ में बनाने के लिए उससे पहले उसकी इक्वेशन आउटपुट और इनपुट का रिलेशन जिसको हम करेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी कहते हैं वो फाइंड आउट करना बहुत जरूरी है। इसीलिए बेटा हम लोग ने इसकी इक्वेशन करेक्टरिस्टिक इक्वेशन को फाइंड आउट किया। बेटा दिस थिंग इज क्लियर फॉर एवरीवन, ये चीज सभी क्लियर है। फ्लिप फ्लॉप में चारों फ्लिप फ्लॉप में किसी भी तरह का किसी को कोई डाउट हो तो पूछो, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है। टाइम कितना हो रहा है अभी? हाँ बेटा किसी भी तरह का किसी भी क्वेश्चन, किसी भी बच्चे को किसी भी तरह का कोई डाउट हो, पूरे के पूरे फ्लिप फ्लॉप में जो हमने चारों फ्लिप फ्लॉप पढ़े हो तो आप अभी पूछ सकते हो, अभी टाइम है हमारे पास में, क्योंकि कल की क्लास से फिर थोड़ा कंसेप्चुअल चीजें स्टार्ट होंगी, थोड़ा कंसेप्चुअल होंगी जिसमें आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, आपको थोड़ा चीज मजा आएगा उसमें पढ़ने में। अभी तक किसी को कोई डाउट, आई होप किसी को कोई डाउट नहीं है क्योंकि कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। अच्छा दूसरी चीज, एक जरूरी चीज है, आप सभी लोग जाकर आज जब आप लोग फ्री हो जाओ तो एक चीज के बारे में ऑनलाइन सर्च करना, दैट इज एम कैट टेस्ट। आप सभी लोगों को पता होगा ये चीज कि मैं आप लोगों का इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग फैकल्टी के साथ साथ मैं आप लोगों का ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर भी हूँ, तो आप लोग के प्लेसमेंट की जो जिम्मेदारी है वो मेरे ऊपर ही है ना, तो कोशिश अभी पिछले साल से मुझे ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर का मुझे चार्ज मिला हुआ है तो कोशिश कर रहा हूँ। ये एक टेस्ट होता है बेटा एम कैट टेस्ट, जो आपको कैंपस प्लेसमेंट कराने के लिए बहुत ही यूजफुल होता है। कैंपस प्लेसमेंट कराने के लिए इसका बहुत ही मतलब यूज होता है, मतलब एक तरह का ये स्कोर कार्ड होता है, जैसे गेट का स्कोर कार्ड होता है ना, इसी तरीके से एक तरह का ये स्कोर कार्ड होता है। इस स्कोर कार्ड की मदद से आप लोग डायरेक्टली प्राइवेट कंपनीज में अप्लाई कर सकते हैं, मतलब आपको रिटन टेस्ट देने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट इंटरव्यू देना है। अगर आपका स्कोर कार्ड अच्छा है तो डायरेक्ट कंपनीज आपको कॉल करेंगी इंटरव्यू के लिए और आप इंटरव्यू देंगे और आपका प्लेसमेंट हो जाएगा। ये एमटेक टेस्ट आप नेट पर सर्च करेंगे आपको अपने पता पड़ जाएगा सभी लोगों को। अब मैंने सर आपने अभी सर्च करने के लिए सर क्यों बोला, हम तो अभी सर सेकंड ईयर में हैं, वो इसलिए बेटा फर्स्ट ईयर में दीजिए हैं सर इसका टेस्ट। क्या बेटा क्या पूछ रहा है? यस सर टेस्ट दे चुके हैं इसका एक बार फर्स्ट ईयर पे। अच्छा तुम लोगों ने फर्स्ट ईयर में दिया हुआ है ना तुम लोगों ने? यस यस सर, यस यस सभी को फर्स्ट ईयर में, लास्ट ईयर सभी लोगों ने दिया था। यस इसी साल सब लोग फिर से एमकेट का टेस्ट, मतलब इंस्टीट्यूट, क्योंकि तुम लोग को एक्चुअली क्या है कि तुम लोग प्लेसमेंट होगा तो उनका फाइनल ईयर प्लेसमेंट होगा, उस फाइनल ईयर में प्लेसमेंट से पहले हम लोग हर साल तुम्हारे लिए ये एमकेट का टेस्ट कराएंगे, जिससे कि जो तुम्हारा फाइनल स्कोर आए तो तुम्हारी प्रैक्टिस अच्छे से हो। तो तुम लोग का पैटर्न तो सभी लोग को पता है कि एमकेट का पैटर्न क्या होता है। इंस्टीट्यूट इस साल फिर से सभी बच्चों के लिए एमकेट का टेस्ट ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं। तो क्या करना है आपको, आपको सिलेबस सभी को पता है, अपनी प्रिपरेशन करना शुरू कर दो। इसी मंथ में वो टेस्ट होगा। टेस्ट कैसे होगा? घर बैठ के ऑनलाइन होगा,
मोबाइल में या फिर लैपटॉप में। उस टेस्ट में क्या होता है कि वेबकैम चालू होना चाहिए आपके पास में, या तो अगर आपके पास वो नहीं है तो एंड्रॉइड फोन होगा तो भी आपका चलेगा टेस्ट, या फिर आप लोग लैपटॉप है तो लैपटॉप पे चलेगा। तो सभी लोगों का ऑनलाइन होगा टेस्ट इस बार, कोई ऑफलाइन का तरीका नहीं है। अगर कोई बच्चा छूट जाता है फॉर एग्जाम्पल, तो बाद में जब ये कॉलेज कैंपस हमारा जब भी ऑन होगा तब उसका ऑफलाइन टेस्ट होगा, बट सभी लोग कोशिश करना कि ऑनलाइन टेस्ट अपना दे देना। उसकी जो भी डिटेल्स है सर, क्या यूजर नेम होगा, क्या पासवर्ड होगा, एक्स वाई जेड ए बी सी, वो सब मैं आप लोग के व्हाट्सएप ग्रुप पे बताऊंगा। तो जितने भी फ्रेंड्स हैं आप लोग सभी लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे एक्टिव रहना, इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है मैं आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे पोस्ट करूंगा। बट द थिंग इज दैट कि एमटेक मैंने आपको भी क्यों बताया है कि आप लोग अपने एप्टीट्यूड हो गया, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया, इनकी प्रैक्टिस थोड़ा थोड़ा करना शुरू कर दो। आगे चलकर क्या होगा कि जब भी आप प्राइवेट कंपनीज के लिए अप्लाई करने की कोशिश करेंगे तो आपके सारे ईयर के भी हो सकता है कि वो लोग स्कोर को देखें कि आपने फर्स्ट ईयर में दिया तब क्या स्कोर था, सेकेंड ईयर में दिया तब क्या स्कोर था। तो इसीलिए कोशिश करो कि आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन के साथ इस एमटेक टेस्ट को दो। ठीक है बेटा, ये चीज सभी को क्लियर हो गई, जो इन्फॉर्मेशन मैंने अभी दी सभी को क्लियर हो गई? यस सर। बाकी अब तुम लोग सेकेंड ईयर में भी आ चुके हो, सभी लोग सेकेंड ईयर में आ चुके हो, तो मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि तुम सभी लोग अपना सीवी बनाना, कि सीवी बनाकर रेडी रखो। सर अभी से सर सीवी बनाने की क्या जरूरत है? बेटा आज अपना सीवी अगर फर्स्ट टाइम बनाओगे तो फर्स्ट टाइम में सीवी कभी अच्छा नहीं बनता है। फर्स्ट टाइम है रिज्यूमे या सीवी जब भी आप बनाओगे उसको जब आप धीरे धीरे एडिट करोगे, धीरे धीरे चेंजेस करोगे, तब फाइनल ईयर तक आगे जब तक आप कंपनी के लिए तैयार होगे तब तक आपका सीवी एक फाइनल फॉर्म में आ पाएगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको नहीं पता सर सीवी किस तरीके से बनाया जाता है, सीवी में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। डोंट वरी अबाउट इट, कभी हम लोग जब हमारे पास टाइम होगा या जब भी हम फ्री होंगे, आप लोग फ्री होंगे तभी तो आपके पास ही ऑनलाइन क्लासेस इतनी चल रही है कि आपके पास टाइम नहीं है, एक हम लोग ऑनलाइन सेशन कर लेंगे जिसमें मैं आप सभी लोगों को बता दूंगा कि सीवी के लिए बेसिक क्या क्या चीजें की जरूरत होनी चाहिए। सीवी अलग अलग बेटा अलग अलग लोगों की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। इफ यू आर स्टूडेंट ऑफ बिजनेस मतलब एमबीए तो उनका सीवी अलग बनता है, इफ यू आर ए रिसर्चर तो सीवी अलग बनता है, इफ यू आर इंजीनियर तो सीवी अलग बनता है, अगर आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हो एक्सपीरियंस हो तो उसका सीवी अलग बनता है। तो अलग अलग लोगों का सीवी अलग अलग बनता है, बट मैं चाहूंगा कि आप लोग नेट पर सर्च करो, थोड़ा ब्रेन स्टॉर्म करो और अपना सभी लोग सीवी बनाने की कोशिश करो। सभी लोग अभी ये सभी को आना चाहिए। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर फॉर एवरीवन। चलो और बाकी समय समय पे मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहूंगा कि किस तरीके से आपका कैंपस एक अच्छा कैंपस प्लेसमेंट हो और किस तरीके से आप हो। और बाकी भी बेटा आप लोगों को भी कोई अगर क्वेरीज होती है तो आप लोग पूछो, कोई बी एड की प्रिपरेशन करना चाहता है, कोई कैट की प्रिपरेशन करना चाहता है, कोई पी एस सी की प्रिपरेशन करना चाहता है, कोई यू पी एस सी करना चाहता है, एनी रिलेटेड डाउट रिगार्डिंग योर कैरियर गाइडेंस यू कैन आस्क मी एनी टाइम। तो हम कभी ऐसा सेशन भी रख लेंगे कभी कि संडे को या सैटरडे को, जिसमें आपको भी ऐसी कोई क्वेरीज हो कि सर तैयारी किस तरीके से करें, टाइम टेबल किस तरीके से बनाएं, या फिर सर इस एग्जाम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, किस तरीके से हम इसको स्ट्रेटेजी बनाएं। ठीक है, डिस्कस बेटा एवरीथिंग। ठीक है, ये आने वाले चार साल तक मैं आप लोग के साथ में हूँ, किसी भी तरह की कोई भी आपकी क्वेरी होगी आई विल रेक्टिफाई दैट। ठीक है, चलो तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। अगली क्लास में हम लोग शुरू करेंगे हमारे दो टॉपिक, ट्रिगरिंग और फ्लिप फ्लॉप, एंड द सेकंड वन इज रेस अराउंड कंडीशन। ओके, थैंक यू सो मच। गुड डे सर।